जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी को भी उधार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हो सकती हैं आपसे नाराज। ऐसा करने से उन लोगों की बुरी किस्मत आपको झेलनी पड़ती है और आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको किसी को भी उधार में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में एक बार सच्चे मन से जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, रोजाना की जिंदगी में कई ऐसी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी वो चीजें जब हमें समय पर नहीं मिल पाती तो ऐसे में व्यक्ति उसे दूसरों से मांग लेता है। लेकिन अगर कोई भी आपसे यहाँ बताई गई चीजों में से कोई भी चीज मांगने आ जाए तो आप साफ इनकार कर दीजिएगा और भूल कर भी वो चीज देने की गलती नहीं करिएगा, वरना आपको हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जरूर जान लें कि शाम के वक्त किसी भी व्यक्ति को प्याज लहसुन देना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए अगर सूरज ढलने के बाद आपसे कोई प्याज या लहसुन मांगे तो उसे मना कर दीजिएगा और देने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपको इसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, शाम के समय दही भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है अगले दिन दही जमाना है, शाम के समय खट्टा मांगने आ जाते हैं, लेकिन आपको किसी को भी सूरज ढलने के बाद दही देने की भूल नहीं करनी है, वरना आपकी घर की लक्ष्मी उनके घर चली जाएगी। अक्सर देखने में आता है कि लोग एक दूसरे का रुमाल भी इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, वही पैसों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे धन मांगे यानी पैसे मांगे तो भूल कर भी उसे उधार पर ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। अक्सर देखने में आता है, खास तौर पर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी कोई सहेली या पड़ोसी आपसे कोई ज्वेलरी यानी गहने मांग लेती है। मान लीजिए उन्हें कहीं बाहर जाना है और उनकी ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी आपके पास है तो वो आपसे ज्वेलरी उधार मांग लेती है। ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए, वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। अगर आप किसी बाहर वाले को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सही अगर आप अपनी ज्वेलरी उधार पर देते हैं तो ऐसा करने से ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब होगा बल्कि आने वाले समय में आपके घर में चोरी होने का भय बनता है और भारी धन हानि आपको उठानी पड़ सकती है। साथ ही घर के मुखिया पर भी संकट आते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो ऐसे में इनकार करने में ही भलाई है। नमक उधार देने से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पेन एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांगकर इस्तेमाल कर लेते हैं और वापस करना भूल जाते हैं। वास्तु के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्तेमाल करने के बाद ना लौटाया जाए तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। साथ ही इससे आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। इसलिए अगर किसी ने आपसे पेन उधार लिया है तो उससे वापस जरूर ले लें, या अगर आपने किसी का पेन लिया है तो भी याद से वापस जरूर करें, वरना नुकसान देने वाले और लेने वाले दोनों को उठाना पड़ेगा। दोस्तों, घड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये पहनने वाले पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। अगर कोई आपसे लेकर घड़ी पहनता है तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है। दरअसल जब व्यक्ति घड़ी पहनता है तो उस व्यक्ति की ऊर्जा, फिर चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, उस घड़ी पर असर डालती है। और जब वो व्यक्ति आपको घड़ी लौटाता है और आप उसे पहनते हैं तो वो घड़ी आप पर प्रभाव डालती है। ऐसे में किसी की बुरी किस्मत का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर आप किसी और के दुर्भाग्य का सामना नहीं करना चाहते हैं तो किसी को भी घड़ी उधार पे देने की गलती ना करें। दोस्तों, जब पति अपने पत्नी को 16 श्रृंगार किए हुए देखता है तो उसे अपनी पत्नी पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है, क्योंकि ये 16 श्रृंगार ही किसी भी महिला को सुहागन बनाता है। लेकिन अगर यही 16 श्रृंगार किसी और के साथ बांटा जाए तो पति का प्यार भी उस महिला के साथ बट जाता है। इसलिए कभी भी सुहागन महिलाओं को भूल से भी कुछ चीजों को नहीं बांटना चाहिए, वरना आपके पति का प्यार भी उस महिला के साथ बट जाता है और आपकी शादीशुदा जिंदगी में
कलेश बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा पति और पत्नी के रिश्ते के बीच कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। इसलिए एक शादीशुदा महिला को कभी भी अपने 16 श्रृंगार का सामान और खास करके सिंदूर कभी किसी और के साथ नहीं बांटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक शादीशुदा महिला को अपने श्रृंगार के सामान की सामग्री और उसमें खास तौर पर सिंदूर कभी किसी और के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।